हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है राहुल के बुक समरी वीडियो चैनल में। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल डेल कार्नेगी द्वारा एक शानदार और जादुई किताब है। अगर आप कभी भी सार्वजनिक रूप से बात करना चाहते हैं, मुलाकात हो या शादी या पड़ोसियों से छोटी सी मदद या दूसरों से काम करवाना, ये किताब आपकी यात्रा में आपकी मदद करेगी। पब्लिक डीलिंग्स सिखाने के अलावा ये किताब आपको दिखाती है कि आप दूसरों के थॉट प्रोसेस को कैसे प्रभावित कर सकते हैं और अपनी फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर सकते हैं ताकि वे आपकी बात सुन सकें। आज हम जिस किताब से सीखेंगे उसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इसे डेल कार्नेगी ने लिखा है जो एक ट्रैवलिंग सेल्समैन थे। छात्र उनको भुगतान करना चाहते हैं ताकि उनसे पब्लिक स्पीकिंग सीख सके। इसी से उनको एहसास हुआ कि उनकी ये स्किल बहुत कीमती है और उनकी सेल्स सक्सेस का एक हिस्सा है। उन्होंने अपना डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट भी खोला। हाउ टू विन फ्रेंड्स और इन्फ्लुएंस पीपल सबसे पहले प्रकाशित होने वाली बेस्ट सेलर सेल्फ हेल्प बुक में से एक थी। ये 1936 में पब्लिश हुई थी और इसकी दुनिया भर में 15 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिकी। हर कोई इस किताब से कुछ ना कुछ सीख सकता है। इसमें दिए गए सिद्धांत सरल हैं लेकिन जो हम अक्सर इस्तेमाल करने और याद रखने से चूक जाते हैं। इस समरी में कार्नेगी के 4 कॉन्सेप्ट्स दिए हैं और सब में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जिन्हें हम समझेंगे। लोगों को संभालने की मौलिक तकनीकें, ऐसे तरीके जिनसे लोग आपको पसंद करें, अपने सोचने के तरीके से लोगों को कैसे जीते, बिना नाराजगी के लोगों को कैसे बदले, लोगों को संभालने की मूलभूत तकनीकें। पहला कॉन्सेप्ट लोगों को हैंडल करने के तरीकों के बारे में है। लोगों को हैंडल करने के लिए 3 प्रमुख सिद्धांत हैं जो आपको फॉलो करने हैं, चाहे वो आपके दोस्त हो, कलीग हो या और कोई। बुराई, निंदाई या शिकायत ना करें। सच्चाई और ईमानदारी से तारीफ करें। दूसरे इंसान में उत्सुकता जगाएं। समझने की कोशिश करें। पहला सिद्धांत आपको लोगों को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। समझे कि क्या उनके व्यवहार, व्यक्तित्व और उनके कार्यों को प्रेरित करता है। एकदम से बुराई या शिकायत करने की बजाय सहानुभूति दिखाए और समझे। थोड़ा दयालु बनना दोनों लोगों के लिए अच्छा होगा। जब भी जरूरत हो थोड़े सहनशील भी बने। सभी को जानने का सही मतलब है सबको माफ करना। ईमानदारी ही सब कुछ है। दूसरा सिद्धांत है सच्ची और दिल से तारीफ करना बहुत जरूरी है। हम सब इंसान हैं और हमें तारीफ से खुशी मिलती है। जब आप किसी की दिल से तारीफ करते हैं तो लोग आपकी ईमानदारी याद रखते हैं। वो आपको बताता है कि क्या आप वही बोल रहे हैं जो वो सुनना चाहते हैं। अच्छे शब्दों के माध्यम से व्यक्त की गई सच्ची तारीफ को लोग कभी नहीं भूलेंगे। यह उन्हें ऊपर उठाता है और उन्हें अपने बारे में अच्छा महसूस कराता है। अच्छे शब्दों में की गई सच्ची तारीफ को लोग कभी नहीं भूलते। इससे उनको खुद के बारे में अच्छा महसूस होता है। उन्हें भी यही चाहना एक ही तरीका है लोगों से अपने पसंद का काम करवाने का। काम को ऐसे करवाओ कि वो उसे खुद करना चाहे। हम जिद्दी है, हमें काम को करने के लिए प्रेरित महसूस करना होता है। जो आइडिया आपके पास है और जो काम आपको करना था उसके लिए घमंड करने के बदले आराम से बैठे और दूसरे को खुद आइडिया लेकर आने दे, उनको काम की जिम्मेदारी का एहसास होने दे। इससे सफल होने की चाहत पैदा होगी और फायदा आपको मिलेगा। पहले दूसरे इंसान में उत्सुकता जगाए। जो ऐसा कर सकता है पूरी दुनिया उसके साथ है, जो ऐसा नहीं कर सकता वो अकेला रास्ते पर चलता है। लोगों को अपने जैसा बनाने के तरीके, ऐसा कुछ जिसकी हम सबको चाह है वो है दूसरे से मंजूरी मिलना। 6 ऐसे सिद्धांत हैं जिनसे दूसरे लोग आपको पसंद करें। सच में बाकी लोगों में दिलचस्पी दिखाए, मुस्कुराए। याद रखें कि एक इंसान का नाम जरूरी है। अच्छे श्रोता बने और दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। दूसरे लोगों की पसंद के बारे में बात करें। दूसरे इंसान को जरूरी महसूस कराएं और ऐसा ईमानदारी से करें। ये सब आपके बारे में नहीं है। हमें ये याद रखना चाहिए कि सच्ची दोस्ती के लिए हमें दूसरों की मदद भी करनी चाहिए, ना कि सिर्फ मदद लेनी चाहिए। अगर आप दूसरे में रुचि दिखाए तो आप दूसरे को पसंद आ सकते हैं। किसी रिश्ते के भविष्य के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। आपको उन्हें दिखाना पड़ेगा कि वो आपके समय और एनर्जी के लायक है और आप थॉटफुल, सहानुभूति और निस्वार्थ हो सकते हैं। इसका एक उदाहरण ये है कि एक बार वेल्स के राजकुमार को साउथ अमेरिका के टूर पर जाना था। उन्होंने स्पेनिश सीखने में महीनों बिताए। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो वहाँ की भाषा में लोगों को भाषण दे सके और सभी लोग उनकी बात समझ सके, ना कि सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले। इससे पता चलता है कि उन्होंने अपने देशवासियों के लिए इतना समय और एनर्जी लगाए। अपनी मुस्कान का अभ्यास करें। आपकी मुस्कान आपकी अच्छाई का संदेश देती है। आपकी मुस्कान उसे देखने वालों की जिंदगी को रोशन करती है। ये समझना मुश्किल है कि एक मुस्कान कितनी असरदार हो सकती है।
आप नहीं जानते कि किसी का दिन कैसा बीत रहा होगा, वे किस निजी दबाव में हैं। लेकिन किसी परिचित या अजनबी की एक साधारण सी मुस्कान उनके मूड को बेहतर करने में मदद कर सकती है और उन्हें मुस्कुराने के लिए प्रेरित कर सकती है। मुस्कुराहट आप तक पहुंचना आसान बनाती है, पर एक निरंतर या नकली मुस्कान के साथ ना घूमें, इससे आप लोगों को दूर कर देंगे। ये सब नाम में है, याद रहे किसी भी इंसान का नाम उसके लिए किसी भी भाषा में सबसे जरूरी आवाज होती है। आपका नाम पूरे हक से आपका है, ये आपकी पहचान का हिस्सा है और आपको दूसरे लोगों से अलग बनाता है। जब लोग आपको अपना नाम बताते हैं तो उसे याद रखें और उसे उन्हीं के सामने दोहराए। हमें अपना नाम सुनना बेहद पसंद है, ये हमें खास होने का एहसास कराता है। ये आपको हर जगह इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो कॉफी शॉप का आदमी हो या आपकी कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव। सुनिए, चुपचाप बैठ के किसी को सुनना ही काफी नहीं है, आपको पूरे ध्यान और रुचि लेकर सुनना होता है। आप अलर्ट है ये दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सामने वाले से सवाल पूछें उसी टॉपिक पर जिसके बारे में वो बात कर रहा है। उनको बातों की गहराई तक जाने के लिए हौसला अफजाई करें। हमें अपने बारे में बात करना बहुत पसंद है, इसलिए लोगों को बहुत ज्यादा उकसाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको बस एक मौका दे और सुने। याद रहे, जिन लोगों से आप बातें कर रहे हैं वो आप और आपकी समस्याओं से ज्यादा अपनी और अपनी समस्याओं के बारे में बात करने में ज्यादा रुचि रखते हैं। उनके हित में क्या है, जब आप किसी से उनकी पसंद के बारे में बात करते हैं तो आपको फायदा होता है। आपको हर एक इंसान से बात करके एक नया प्राइज मिलता है। तर्क वितर्क से बचे, 90% समय तर्क किसी भी पक्ष के लिए अच्छा नहीं होता। दोनों मजबूती से खुद का समर्थन करते हुए चले जाते हैं। नतीजा ये होता है कि हर कोई अधिक आश्वस्त हो जाता है कि वे वास्तव में सही हैं। ऐसा बहुत मुश्किल है कि किसी तर्क का कोई उपाय निकले या फिर लोग आयु करते हुए थक जाए और कुछ भी ना बदले। किसी भी तर्क से बचना ही सबसे अच्छा होता है। लोगों की राय का सम्मान करें, ये याद रखना भी जरूरी है कि हर कोई अपना राय का हकदार है। इसलिए आप किसी को कभी ना बोले कि उनकी राय गलत है। चाहे वो आपका जीवन साथी हो, साथ काम करता हो या आपका ग्राहक हो, अगर आप सहमत नहीं हैं तो उनको ना बोले कि वो गलत है, इससे वो बुरा मान जाएंगे। घुमा फिरा कर बात करें और आपको अपना पॉइंट रखने का एक आसान तरीका मिल जाएगा। जब आप गलत हो तो इसे स्वीकार करें, ये हम सबके साथ होता है कि हम कभी ना कभी गलत होते हैं। तो अगर आप गलत हो तो जितना जल्दी हो सके उसे मान ले। ईमानदार होना ऐसी खूबी है जिसे सब पसंद करते हैं, और खुद की गलती मान लेने से लोग आपकी इज्जत करते हैं और भरोसा करते हैं। अगर आप तुरंत अपना बचाव करेंगे तो आप बुरे ही बनेंगे। लड़ने से आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, पर गलती मान लेने से आपको उम्मीद से ज्यादा मिलता है। मित्रवत रहें, दो तरीके हैं किसी नई सिचुएशन और इंसान का सामना करने के। आप फ्रेंडली बनकर उनका स्वागत कर सकते हैं, या फ्रेंडली होकर। लोग आपको वैसे ही प्रतिक्रिया देते हैं जैसा आप उन्हें देते हैं। एक दोस्ताना और मिलनसार तरीका लोगों का दिमाग किसी भी आंधी से तेज बदल सकता है। हाँ, लेखक ने एक खेल के बारे में बताया है जिसमें आप दूसरे से बहुत सी बातों के लिए हाँ करवा सकते हैं। खेल का लक्ष्य यही है कि सामने वाला इंसान आपकी बात में हाँ से हाँ मिलाए। आपको सामने वाले से ऐसा सवाल पूछना है जिसका जवाब लोग हाँ ही दे। फिर आपको इसी तरह एक के बाद एक सवाल पूछने हैं। इस ट्रिक से सामने वाला उन बातों के लिए भी हाँ कर सकता है जिनके लिए वो वैसे कभी हाँ नहीं करता। उन्हें बात करने दे, इंसान होने के नाते हमें खुद की आवाज बहुत पसंद है, इसलिए आप दूसरे इंसान को जितना हो सके बोलने दे। आप देखेंगे कि वो आपको अपने काम, अपनी समस्याएं सब बता रहे हैं। आप सवाल पूछकर बेचैनी को बढ़ा सकते हैं। बीच में टोके नहीं, ध्यान से सुने। कानगी सुनने में ईमानदार होने और वास्तव में रुचि रखने के महत्व पर जोर देते हैं ताकि वे खुद को ईमानदारी से व्यक्त करने में सहज महसूस कर सकें। यह उनका आइडिया है, ये सिद्धांत बताता है कि दूसरे को महसूस होने दे का आइडिया उनका है। ऐसा आदमी बनने की कोशिश न करें जिसके पास हमेशा विचार और राय होते हैं और दूसरे पर थोपने की कोशिश करते हैं। सुझाव देना समझदारी है, और दूसरे इंसान को निष्कर्ष निकालने दे। चीजों को उनके नजरिए से देखे, उनके खुद के दिमाग में सब सही है। उनको समझने की कोशिश करने की ऐसा क्या है जिसकी वजह से उनको भरोसा है कि उनका पॉइंट ही बिल्कुल सही है। उनकी बुराइयां न करें, कोई भी बेवकूफ ये कर सकता है। उनको समझने की कोशिश करें, क्योंकि सिर्फ समझदार, अनुभव और कुछ ही लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं। खुद को उनकी जगह पर रख के देखें, उनके अनुभव को लेकर शायद आप समझे कि वो जैसे हैं वैसे क्यों हैं, और वो जो करते हैं वो क्यों करते हैं। सहानुभूति रखें, हमेशा दूसरों के विचार, भावनाएं और इच्छाएं से सहानुभूति रखें। ये उनके लिए बहुत कीमती है।
अगर आपसे कोई कहे कि वो किसी परेशानी में है जिसकी वजह से वो बुरा महसूस कर रहे हैं, तो उनको जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनको ये बोले कि ऐसा सुनकर आप हैरान नहीं है, क्योंकि अगर आप उनकी जगह होते तो शायद आपको भी ऐसा ही लगता। उनको अकेला महसूस न कराए और भले इंसान बने। महान उद्देश्यों के लिए अपील नए लोगों को ध्यान में रखते हुए सबसे अच्छा है ये मानना कि वो सच्ची और भरोसेमंद है। इस नियम की कुछ खासियत है, और वो लोग जो सच्चे नहीं भी हैं, वो भी ऐसे रिएक्ट कर सकते हैं जब उनके साथ एक दोषी की तरह बर्ताव न किया जाए। जैसा कि कहते हैं, दोषी साबित होने तक सब निर्दोष है। अपने विचारों को नाटकीय बनाए टीवी और फिल्में जैसी मीडिया की वजह से हम नाटक देखने के आदि हो गए हैं। सीधा सच बोल देना हमें प्रभावित नहीं करता है। हमें सच को और आगे तक ले जाना चाहिए, उसे नाटक उज्जवल और भूलभुलैयादार बनाए। सबको देखने दे जो आप दिखाना चाहते हैं, वो आम बातें जानने की बजाय उस मजेदार बात को सुनना ज्यादा पसंद करेंगे। एक चुनौती को छोड़ दें, लोग आपकी तरह से सोचे उसके लिए उनके सामने चुनौती रखें। इंसान होने के नाते हमें खेल, मुकाबला, चुनौती और खुद को साबित करने का मौका बेहद पसंद है। खुद को एक्सप्रेस करने का मौका, एक मौका अपनी काबिलियत साबित करने और जीतने का, जरूरी महसूस करने की इच्छा। अंतिम कॉन्सेप्ट है कि कैसे लोगों को बिना गुस्सा किए बदला जाए और कैसे एक असरदार लीडर बने। ईमानदार तारीफ के साथ शुरुआत करें। लोगों की गलतियों पर घुमा फिराकर ध्यान दें। लोगों की बुराइयों से पहले अपनी गलतियों के बारे में बात करें। हुक्म देने की बजाय सवाल पूछें। दूसरे इंसान को बचने का मौका दें। हर छोटे सुधार की तारीफ करें। दूसरे इंसान के लिए अपना अच्छा नाम बनाएं। कमियों को सुधारने के लिए प्रोत्साहन का इस्तेमाल करें। अपने सुझावों से दूसरे इंसान को खुशी महसूस कराए। सच्ची सराहना और प्रशंसा ईमानदार तारीफ के साथ बातचीत शुरू करें। ये सामने वाले को गर्व की भावना और आत्मविश्वास देगा। वो आपसे खुश होंगे और आपकी राय लेना चाहेंगे। तारीफ से बात शुरू करना उस डेंटिस्ट की तरह है जो अपना काम पेन किलर से शुरू करता है। मरीज अब भी ड्रिलिंग तो करवाएगा पर पेन किलर से दर्द खत्म हो जाता है। गलतियों के बारे में बात करते समय अप्रत्यक्ष रहें, ये पिछले सिद्धांत से ही जुड़ा हुआ है। तारीफ से शुरुआत करना अच्छा है, पर अगर आप आखिर हो सकता है लेकिन बोलकर उनकी गलती डिस्कस करने लगते हैं, तो आप सारा काम खराब कर देते हैं जो आपने पहले वाक्य में किया था। अगर आप घुमा फिराकर एक गलती को चर्चा करें तो कोई भी संवेदनशील इंसान अच्छे से मानेगा और सीखेगा। सीधा बुराई करना कुछ ही लोगों पर काम करता है, पर हम में से ज्यादा उसे सुनने से बहुत डरते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करें। हम सब इंसान हैं और इस दुनिया में कोई भी कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता है। हम सभी ने गलतियां की है। आपको किसी और की गलती पर जाने से पहले अपनी खुद की गलती मान लेनी चाहिए। शायद आप इसे इस तरीके से बता सकते हैं कि आप जानते हैं कि क्यों उन्होंने ऐसी गलती की, क्योंकि आपने भी पहले ऐसी गलती की हुई है। ये एक बेहतरीन तरीका है किसी का बर्ताव बदलने का। प्रश्न पूछें, आदेश न दें। खुद को बॉस समझना बहुत आसान है। अपने आसपास के लोगों को बताना कि कब क्या करना है, पर असल में किसी काम की रफ्तार बढ़ाने के लिए आप अपने स्टाफ को एक स्थिति समझा सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि उनको क्या लगता है कि इसका सामना करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। इससे जिम्मेदारी उनके हाथ हो सकती है। वो नए आइडिया के साथ आएंगे और लगातार ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। उन्हें चेहरा बचाने दो। कोई भी बेइज्जत नहीं होना चाहता और दूसरे इंसान को बेइज्जत करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उनके आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चाहे वो कितना भी गलत हो, आपको उनके गर्व और आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, वो अपने बारे में क्या सोचते हैं इससे फर्क पड़ता है। एक इंसान को उसकी गरिमा में दुख पहुंचाना एक क्राइम है। हमेशा तारीफ करते रहिए। जब लोग अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं तब वो बेहतर जवाब देते हैं। इसलिए छोटे से छोटे सुधार की तारीफ करें और कोशिश करें कि हर सुधार को ठीक से पहचाना जाए। लोगों को बदलने के बारे में बात करें। अगर आप लोगों को प्रेरित करेंगे, उनको उनकी छिपी हुई प्रतिभा का एहसास कराएं, तो हम सच में उनको बेहतर बना सकते हैं। ये साफ है कि जब आप किसी की बुराइयां करते हैं तो आप उनको नीचा दिखा रहे होते हैं, साथ ही उनके आत्मविश्वास को भी तलाशते हैं। हो सकता है इससे वो बेहतर के बदले बेकार काम करें, पर किसी की तारीफ करके आप उन्हें ऊपर उठाते हैं। उनके विश्वास को बढ़ाने और उनको मेहनत कराने की काबिलियत देने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। प्रतिष्ठा, रेप्यूटेशन। लोगों के लिए अपनी अच्छी प्रतिष्ठा बनाए, एक मिसाल बने। आप जैसा बनने की लोगों को एक वजह दे जिस वजह से वो आप जैसा नाम और इज्जत कमाना चाहे।
इसे ठीक करना आसान बनाएं। अगर आप किसी ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जिसमें किसी ने कोई बेवकूफी कर दी है, तो ये उनको सीधा न बताएं। ये उनकी बेहतर होने की चाहत को खत्म कर देगा, बल्कि आपको उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको ऐसा दिखाए कि सिचुएशन को ठीक करने का एक आसान तरीका भी है, कुछ ऐसा जो वो खुद कर सके। इस तरह वो सपोर्टेड करेगी, महसूस करेंगे और उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए कुछ भी करेंगे। उन्हें खुश करें। आखिरी सिद्धांत कहता है कि आपको दूसरे इंसान को कुछ करने के लिए खुश महसूस करना चाहिए। अगर वो उस काम को करने के लिए खुश है तो वो जरूर करेंगे, और वो भी बहुत अच्छे से। उन्हें प्रोत्साहित करें, उनके जुनून को थोड़ा प्रेरित करें ताकि वो कोई भी काम खुशी से कर सके। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थी स्टॉप ओवरथिंकिंग किताब की समरी। हमने किताब से अब तक जो कुछ भी सीखा है उसको एक बार दोहरा लेते हैं ताकि आसानी से याद रहे। आशा करता हूँ आपको ये बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मुझे किताबें पढ़ना और जो बातें मैंने उन किताबों से सीखी उनको दूसरों को बताना पसंद है। तो अगर आपको भी बहुत थोड़े समय में बहुत कुछ जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।